ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है। जीवन धारा कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। कयामत आने वाली है मसीहो जागते रहना, कयामत आने वाली है मसीहो जागते रहना, हमेशा जागते रहना दुआएं मांगते रहना, हमेशा जागते रहना दुआएं मांगते रहना। मसीहा करो दिल के चरागों को, मसीह ने खुदियाँ अब धो लो इन पापों के दावों को, खुदा से दिल लगा लो तोड़ दो रिश्तों के धागों को, खुदा से दिल लगा लो तोड़ दो रिश्तों के धागों को, मसीहा आने वाला है करो तैयार अपने को, के आने की न जाने कब वो आ जाए, न जाने कब कयामत का वो बादल सर पे छा जाए। सुनो ये वक्त की आवाज हमको ये ही समझाए, सुनो ये वक्त की आवाज हमको
होगी हमें अपनी हर एक नेकी बदी अब तौलनी होगी। तुझे भी पौल आखिर ये हकीकत बोलनी होगी। आने वाली है मसीहो जागते रहना, मसीहा गladys आंटी का नमस्कार। मुझे बताओ, क्या आप एक सफल जीवन पाना चाहते हैं? तो आज की कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। किसी गांव में रमेश और दीपक नामक दो मूर्तिकार रहते थे। रमेश की बनाई प्रतिमाएं इतनी सुंदर होती थी कि लोग उन्हें मुंह मांगे दामों पर खरीद लेते थे। दीपक की मूर्तियां कोई नहीं खरीदता था। एक दिन दीपक ने देखा कि रमेश प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त है। उस समय पास से एक सेठ की बारात गुजर रही थी। बारात में बहुत सारे लोग शामिल थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और आतिशबाजियां भी हो रही थी। रमेश प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त रहा। उसने बारात की ओर देखा तक नहीं। यह देखकर दीपक रमेश के पास पहुंचा और बोला, अभी यहां से बारात गुजरी थी। गांव के सभी लोग ने अपने काम काज छोड़कर बारात को देखा, पर तुमने तो नजर भी नहीं उठाई। दीपक की बात सुनकर रमेश भौचक्का रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, तुम किस बारात की बात कर रहे हो? मैंने तो किसी बारात से गुजरने की आवाज तक नहीं सुनी। दीपक ने कहा, अरे भाई, कुछ ही देर पहले एक बारात गुजरी है। सभी ने उसे देखा और ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ही न लगा हो? दीपक की बात सुनकर रमेश बोला, मैं जब अपना कार्य करता हूं तो मेरा संपूर्ण ध्यान सिर्फ उस कार्य पर ही केंद्रित रहता है। यहां तक उस समय मुझे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। रमेश की बात सुनकर दीपक को उसकी सफलता का कारण समझ में आ गया। वह जान गया कि एक कलाकार के लिए एकाग्र सबसे बड़ी चीज है। उस दिन से वह ध्यान लगाकर काम करने लगा। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपना ध्यान कहीं मत भटकने देना। जो भी काम करने लोगे उस पर अपना सारा ध्यान लगा देना और देखना कैसे सफलता आपके पास आती है। और ऐसा करने में परमेश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। मुझे पत्र द्वारा हमेशा बताते रहना। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओ, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। आज
जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। हमें जिंदगी वरना हम खाक थे, तूने जब तक छुआना था ना पाक थे, दी हमें जिंदगी वरना हम खाक थे, तूने जब तक छुआना था ना पाक थे, पाक रू हमको दी, पाक हमको किया, पाक रू हमको दी, पाक हमको किया, इसके बदले में कुछ भी न हमसे लिया, इसके बदले में कुछ भी न हमसे लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। पाप की नींद में हम थे सोए हुए, थे गुनाह के अंधेरों में खोए हुए, पाप की नींद में हम थे सोए हुए, थे गुनाह के अंधेरों में खोए हुए, तूने सच के चिरागों को रोशन किया, तूने सच के चिरागों को रास्ता हमको नेकी का दिखला दिया, रास्ता हमको नेकी का दिखला दिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। मैंने चांदी के सिक्कों में बेचा तुझे, तूने फिर भी गले से लगाया मुझे, मैंने चांदी के सिक्कों में बेचा तुझे, तूने फिर भी गले से लगाया मुझे, तूने कोई शिकायत न शिकवा किया, तूने कोई शिकायत न शिकवा किया, मेरी खातिर मसीह तूने क्या ना किया, मेरी खातिर मसीह तूने क्या ना किया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे।
कॉल हर कॉल अपना भुलाता रहा, फिर भी तो उस पे रहमत लौटाता रहा। कॉल हर कॉल अपना भुलाता रहा, फिर भी तो उस पे रहमत लौटाता रहा। तूने अपने करम का भरम रख लिया, तूने अपने करम का भरम रख लिया, फूक चादर से उसका गुनाह ढक लिया। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, परमेश्वर का वचन फिलिपियों 1:21 वचन में लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। परमेश्वर के दास पौलुस इस वचन के द्वारा कहते हैं, हम सभी लोग कितना विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं। जो जीवित प्रभु पर विश्वास करेगा उसका सब काम सफल होगा। जो विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। इंसान जमीन पर जीवित रहता है, उसका क्या उद्देश्य है? प्रभु यीशु मसीह के साथ मनुष्य के उच्च जीवन की शुरुआत होती है। परमेश्वर उसे ऊंचा स्थान देता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु ने अपने पिता पर विश्वास किया था। हम पापियों के कारण उसने क्रूस पर मृत्यु सही, ताकि हम सब पापी बचाए जाए। प्रभु यीशु को परखने वालों ने आकर उनसे कहा था, कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। 40 दिन तक आत्मा के सिखाने के अनुसार जंगल में फिरता रहा। उन दिनों यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया था। तब शैतान ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जीवित रहेगा, क्योंकि शैतान हारा हुआ है, वो मनुष्य का कुछ भी नहीं कर सकता। यही विश्वास हम सबका होना चाहिए। न वर्तमान, न भविष्य, न दुख, न मुसीबत, कुछ भी समस्याएं विश्वासी को परमेश्वर से अलग नहीं करता। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के साथ मर जाना अवश्य है। लालच की आत्मा को मारना है, गंदी आदत को मारना है। जो मैं जीवित हूं, अब इस विश्वास से जीवित हूं कि मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है, ताकि सारी मानव जाति सुरक्षित रहे। आज हम सब अपने आप को जांचे और परखे। किसी भी मनुष्य के साथ हमारा क्रोध, झगड़ा, ईसा, जलन, डाह ना रहे। यही हमारा विश्वास है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, हर समय हमारी सहायता करता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी यार दोस्त मुझे छोड़ देंगे, लेकिन जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, हर पल हमें बचा के रखता है। जैसे यीशु ने कहा, कनान देश पर आक्रमण के समय आदेश दिया, विश्वास से कहा कि चंद्रमा थमा रहे और वह थमा रहा। जब तक यहोशू ने अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया, तब तक चंद्रमा थमा रहा, क्योंकि सारे सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है। इसलिए परमेश्वर के दास यहोशू ने इस विश्वास से कहा कि प्रभु हमारे सुनता है। जब तक यहोशू ने अपने शत्रुओं से बदला ला लिया, तब तक चंद्रमा एक जगह स्थिर रहा। प्रभु कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु ने अपना प्राण हम सब के लिए दे दिया, ताकि वो सब बचाए जाए जो प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। प्रभु उसकी हर बातें सुनता है।
जैसे उदाहरण के लिए यहोशू। आज हम इब्राहिम को देखते हैं, मूसा को देखते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू चल, परमेश्वर इब्राहिम को कहा ले जाएगा, कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इब्राहिम को कहां और किस जगह जाना है। मूसा को भी परमेश्वर ने सेवा में इस्तेमाल किया। परमेश्वर कहता है कि आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहोशू वो इब्राहिम का परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए परमेश्वर हर पल उन लोगों की बातों को सुनता था। हम प्रभु यीशु मसीह को जाने पहचाने। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर एक को जानता हूं, टटोलता हूं, परखता हूं कौन मेरे वचन पर विश्वास करता है, कौन मेरे पीछे चलता है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता वो पाप करता है। मनुष्य सब गलत कार्य करता है, अपने लाभ में रहता है, परमेश्वर से स्वतः दूर रहता है, परमेश्वर को अपने हृदय में नहीं बसाया है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है वो जीवित रहेगा, उसका वचन आत्मा और जीवन है। यहोशू 10:12 वचन में लिखा है, यहोशू को परमेश्वर ने सुना और लड़ाई के समय जब तक यहोशू ने अपने शत्रुओं को पराजित नहीं किया तब तक सूर्य और चंद्रमा थमे रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति उसके वचन को मन लगाकर पढ़ता है, सुनता है, प्रभु उसके हर पल सहायता करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें मेल सिखाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने सारे मन सारे शक्ति से प्रेम करता है, परमेश्वर उसकी हर पल सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है सारी शक्ति के साथ मनुष्य परमेश्वर के वचन को थामे रहे, चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमेश्वर के वचन को थामे रहे, तो हम गंदी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। रोमियो 10:9 के अनुसार, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु का मसीह का वचन कहता है, उसकी इच्छा को उच्च स्थान दो, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीवन व्यतीत करना है। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, मैं कहता हूं जहां जहां तू प्यार रखेगा वो सब तेरा हो जाएगा। यदि हम प्रभु यीशु की सेवा करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, परंतु धन की चिंता ना करो। लूका में लिखा है कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपने संपत्ति को रख सकूं। मैं अपने बकारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे लिए बहुत संपत्ति है। परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण को ले लिया जाए तो तू तेरी संपत्ति किस काम की होगी। इब्रानियों 2:3 वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा हम उद्धार पाने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। कुलुसियों 3:16 वचन में लिखा है, अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बढ़ने दो। मती 10 में लिखा है, जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोता है, जो प्रभु के लिए देता है वो जीवित रहता है। एक विश्वासी को हर समय परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है। यूसुफ के जीवन के द्वारा हम सब विश्वासी को सिखाना चाहिए कि ये उसका विश्वास था कि उसने अपने भाई को क्षमा किया। याकूब को भी यही विश्वास था। याकूब के परिवार के लोगों ने उसके साथ छल किया। हमें हर परिस्थिति में प्रभु के साथ रहना है। पहला पत्रस 1:7 में वचन बताता है कि इसलिए कि तुम्हारा ताया हुआ विश्वास जो आग से तपे हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, प्रभु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना है। पौलुस ने कहा, एक दूसरे का आदर करो। नीति वचन 3:9 कहता है, अपनी कमाई की उपज से हमें देना है। जो चोरी करता है अपनी कमाई का अंश नहीं देता, वो परमेश्वर का सम्मान नहीं करता, ना ही अपने जीवन से परमेश्वर की बड़ाई करता है, ना उसकी महिमा करता है, ना उसकी स्तुति करता है। हमें प्रभु की नजदीकी में रहना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहचानना है। यही हमारा विश्वास है। प्रभु आप सबों के साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो खुदावन, तेरे वचन के लिए, वो जीवित वचन के लिए जो हमने आज सीखा कि तू हमसे प्रेम करता है और तू चाहता कि हम तेरे वचन पर चले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।